दिली के साथ बदलते भारत की शान। देश के कुछ इलाकों में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई जगह झमाझम, बरसेंगे बादल। दक्षिणी राज्यों के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भी चलेंगी काफी तेज हवाएं। देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान रहेगा स्थिर, दो से तीन दिनों के बीच राजस्थान के न्यूनतम तापमान में हो सकती है थोड़ी बढ़ोतरी। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले दो दिन कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बता दें कि बुधवार को भी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बता दें आपको, तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल में दो दिन कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है और वहीं रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बरसात का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही बता दें आपको कि तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ भागों में तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बंगाल की पश्चिमी मध्य और दक्षिण पश्चिमी खाड़ी से सटे इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं बता दें आपको कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं दो दिन महाराष्ट्र के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ भागों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि एक से दो दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर और बताते हैं आपको कि आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश में कहां बरसात हो सकती है और कहां मौसम साफ बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में बुधवार को कई जगह तो गुरुवार को ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। वहीं तेलंगाना में बुधवार को कुछ जगह और गुरुवार को कई स्थानों पर बरसात होगी। साथ ही रायलसीमा में बुधवार को कई जगह तो गुरुवार को ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। दो दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में दो दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी दो दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। दो दिन केरल में कई जगह तो लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले दो दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जबकि ओडिशा में छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। झारखंड और बिहार में दो दिन मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिन बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी दो दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में गुरुवार को गिने चुने स्थानों पर वर्षा संभव है।
छत्तीसगढ़ में दो दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अलग अलग स्थानों पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में दो दिन इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। दो दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तो जाना अभी आपने कि आगे आने वाले दो दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पानी बरस सकता है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई, साथ ही लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बादल बरसे। वहीं हम बात करेंगे केरल की, तो बता दें यहां पर भी ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तो वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर, तो वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं पानी बरसा। बात करें हम रायलसीमा की, तो बता दें यहां पर भी कई जगहों पर बरसात देखी गई, साथ ही तटीय कर्नाटक में भी कई इलाकों में, तो वहीं आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश यहां दर्ज की गई। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी कहीं कहीं वर्षा हुई। साथ ही बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर, तो वहीं ओडिशा में कई स्थानों पर बादल बरसे। साथ ही बात करेंगे हम गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बरसात की स्थिति रही। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको तापमान के हाल की, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं बात करेंगे हम तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की, तो यहां भी कहीं कहीं दिन का जो तापमान है सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। बात करेंगे हम पूर्वी राजस्थान की, बता दें आपको यहां पर ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। इसी के साथ आइए आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं विदर्भ की, तो बता दें यहां भी कई इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा मापा गया। वहीं तेलंगाना में ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर, तो वहीं रायलसीमा में कहीं कहीं ऐसा ही तापमान देखने को मिला। बता दें कि उत्तरी आंध्र कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कई भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। साथ ही कोंकण और गोवा में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ की, तो यहां के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करते हैं हम पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहां पर भी ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रात का जो तापमान है सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम आंका गया। वहीं बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की, तो यहां पर कई जगहों पर दिन का जो तापमान है खासतौर पर न्यूनतम तापमान ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थिति बनी रही। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें चने की बुआई। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। Hey guys, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी।
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे खेती किसानी की। बता दें आपको कि सही समय पर बुआई और रोपाई का काम अगर किया जाए तो फायदे का सौदा ये साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। देश के किन हिस्सों में कौन सी फसल बोने का समय है और इस समय खेती बाड़ी से जुड़ी कौन सी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। बिहार में राई और सरसों की बुआई करें, यहाँ के किसान आलू की बुआई का काम भी करें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में गेहूं और मसूर की बुआई करें। बिहार में उत्तर पश्चिमी जलोढ़ क्षेत्र के किसान रबी की मक्का, सरसों, लहसुन और धनिया बोएं। बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में सरसों और बरसीम की बुआई का काम करें। ध्यान रखें कि बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें और बुआई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें। बिहार में जिन किसानों ने अभी तक धान की कटाई नहीं की है वो कटाई का काम पूरा करें और सुरक्षित जगह पर रख कर सुखाने के बाद गहाई करें। बिहार में इन दिनों रबी की उन्नत किस्म की मक्का भी बो सकती है। झारखंड के दक्षिण पूर्वी पठार इलाके में सरसों की बुआई पूरी करें। यहाँ के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में भी सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। यहाँ के किसान मसूर और चने की बुआई जारी रखें। झारखंड के पश्चिमी पठार हिस्से में गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर बोएं। दिल्ली के पास के इलाकों में सरसों और चने की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रुपाई भी कर लें। दिल्ली और आसपास के हिस्सों में टमाटर की रुपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी की फसल और चारा बोएं। इस समय मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बरसीम और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सरसों और चने की बुआई भी जारी रखें। मध्य उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली, सरसों और काबुली चने की बुआई करते रहे। यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर और मिर्च की रुपाई भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड में इन दिनों रबी की फसलों में चना, मटर और मसूर जैसी फसलें बोएं। तो जाना आपने कि अपने क्षेत्र के अनुसार आप कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं बुआई या रोपाई के लिए, और साथ ही जो फसलें खेतों में लगाई हैं आपने उनके लिए किस तरह की देखभाल कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि खेती में मौसम के अनुरूप ही फसलों की बुआई की जाती है। समय थोड़ा आगे या पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन समय से बुआई से ही सबसे अधिक लाभ मिलता है। मौजूदा मौसम में अनेक फसलों की बुआई की जा सकती है, चना भी उन्हीं में से एक है। अभी पछेती चने की बुआई हो सकती है, किस तरह की आपको तैयारियां करनी है आइए जानते हैं। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां एक हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद दो सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंगमारी रोग होने का खतरा बना रहता है, बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर लें। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर लें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर एक हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है।
तो जाना आपने कि पछेती चने की अच्छी उपज आपको लेनी है तो कौन कौन सी किस्में आपको चुननी है और किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पूर्वी राजस्थान के किसान है उन्हें सलाह है कि आप मसूर की बुआई जारी रखें, साथ ही यहाँ के किसान चने की बुआई भी कर सकते हैं। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के किसान इस समय आलू की रोपाई भी करते रहें। वहीं बात दक्षिणी राजस्थान के नम हिस्सों की करें तो यहां पर किसानों को सलाह है सरसों की बुआई करें। और वहीं गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में इस समय धनिये की बुआई की जा सकती है। तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में गेहूं की बुआई कर सकते हैं किसान, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के किसान इस समय प्याज की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात की बात करें तो यहां पर धान की कटाई और कपास की चुनाई जारी रख सकते हैं किसान, साथ ही उत्तरी गुजरात में गेहूं, काबुली चना और देसी चना बो सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर नजर डालें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, खासतौर पर कैमूर पठारी इलाके के, उन्हें सलाह है कि धान की कटाई कर लें। साथ ही सतपुड़ा के पहाड़ी हिस्सों में भी धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। वहीं आके किसान गेहूं की बुआई का काम भी कर सकते हैं। तो साथ ही मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में भी गेहूं बो सकते हैं किसान। यहीं पर इन दिनों सरसों और काबुली चने की भी बुआई की जा सकती है, इसके लिए तैयारियां कर लें किसान और मिट्टी में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल जरूर करें। और बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर कर लें। और वहीं मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी में भी चना बो सकते हैं किसान। और निमाड़ घाटी इलाके में ही सरसों की भी बुआई की जा सकती है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर लें। और यहां के किसान इन दिनों आलू की बुआई भी कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। बता दें आपको कि गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बता दें आपको कि बुधवार को भी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बरसात का अनुमान है। तो वहीं तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल में 2 दिन कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है। बता दें आपको रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बरसात का अंदेशा है। साथ ही तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ भागों में तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। बता दें आपको कि बंगाल की पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी खाड़ी से सटे इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन महाराष्ट्र के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
बता दें आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के कुछ भागों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसके साथ चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। बता दें आपको कि आप मौसम खबर डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुए का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह है का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।
संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, रौंजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। चार प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे।
के साथ बदलते भारत की शान।